डिस्कस अ न्यू चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी। हम फिर से पहली बार काम आई थिंक आप एट्थ में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी का, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज्यादा इजी है। चलिए शुरुआत करते हैं विद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज मीन्स क्या क्या चीज हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, उसी का अनुमान लगाना, उसी को हम क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी। का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। जो चीज हमें दे रखी है वो हमने ऊपर रखनी है और जो टोटल है वो नीचे, जस्ट डिवाइड कर दो आपको कुछ। चलिए एक बार करते हैं हम इसे। इन अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच हुआ, a batsman hits a boundary 6 times out of 30 balls. कि एक बॉलर ने 30 बॉलों में से 6 पे बाउंड्री फेंकी, अब इसे इससे बाउंड्री लगाई। Find the probability she did not hit the boundary. हमें बताना है कि उसकी बाउंड्री हिट नहीं हुई। तो पहले मुझे नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिस पे बाउंड्री हिट नहीं हुई। कैसे करेंगे, टोटल बॉल्स कितनी उसने टोटल बॉल्स फेंकी हैं, 30। हिट द बाउंड्री और बाउंड्री कितनी पे गई है, 6 पे। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिड नॉट हिट द बाउंड्री, डिड नॉट हिट द बाउंड्री। 30 माइनस 6 दैट इज 24। हमें प्रोबेबिलिटी भी इसी की फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिडन हिट बाउंड्री। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मीन जो उसने हमें पूछा है डिड नॉट हिट द बाउंड्री दैट इज 24, टोटल कितनी बॉल फेंकी गई है, 30। तो ये आ गया हमारा 4/5। जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। प्रोबेबिलिटी जो होती है ऑलवेज लेस देन 1 से हमेशा छोटी होती है और 0 से जो है वो हमेशा बड़ी होती है। प्रोबेबिलिटी जो है 0 से हमेशा बड़ी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये चीजें आप अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लेकिन आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, मैंने सीधा स्टेटमेंट्स को शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। इसमें टोटल फैमिलीज 1500 दे रखी है, नंबर ऑफ गर्ल्स बता रहे हैं कि कितनी ऐसी फैमिली है जिसमें 2 गर्ल्स हैं दैट इज 475 एंड द फैमिलीज व्हिच आर हैविंग ओनली 1 गर्ल चाइल्ड आर 814 एंड व्हिच हैव नो गर्ल चाइल्ड दैट आर 211। तो हमें प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पॉइंट है फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिलीज दैट आर हैविंग 2 गर्ल्स That is 475/1500. Favorable cases कितने हो गए 475. Total families कितनी थी 1500. तो इसका आंसर क्या आ गया 475/1500. Now probability of one girl child is 840/1500. If you want to cancel it and want to write this in standard form, you can do it. अगर आप इसे standard form में लिखना चाहते हैं तब आप ये भी कर सकते हैं। Now probability of 0 girl child means number of हमें families लेनी है जिनके पास एक भी बेटी नहीं है, एक भी girl child नहीं है, कितनी है 211 by total 1500. I think clear हो रहा होगा। एक और चीज भी होती है कि जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1500/1500 दैट इज 1। क्योंकि इसमें ये होता है कि जब भी आप अलग अलग इवेंट्स को लेकर जब प्लस करते हैं तब टोटल कितना आता है 1। अब
इलेवेंथ क्वेश्चन। हाँ जी, एक चीज और कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जो आपको ये बता रहे कि ये एक्सरसाइज 14.2 का ये समझेंगे। वहां से सिंपल आपको डाटा देखना है, उसी में जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसके नंबर ऊपर लिखे, टोटल नीचे। बेस आपका यही है जो मैं करवाऊंगी, बाकी क्वेश्चंस अलग है। उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए, थोड़ी सी आपकी क्रिएटिविटी जगाने के लिए पीछे से पेजेस को ओपन करने के लिए कहा है। ओके, 11 क्वेश्चन लिया मैंने। यहाँ पे आपको 11 बैग्स का वेट दे रखा है केजी में, मीन वेट का उनके पास बैग आया है, बोरी आई है, जिसपे लिखा हुआ है वो 5 kg। लेकिन वो 5 kg से कभी हल्का सा कम और कभी हल्का सा ज्यादा निकलता है। जैसे कि फर्स्ट बैग में निकला 4.97 kg, सेकेंड बैग में 5.05, 5.08, 5.035, 5.06, 5.08, 5.98, 5.04, 5.07 और 5.06। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 kg, मतलब हमें उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जो 5 kg से ज्यादा है। सबसे पहले कितने बैग्स हैं, 11 बैग हैं, तो टोटल तो नीचे आएगा। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका आंसर क्या आएगा, 7/11। ध्यान रखिए इसमें हम 5.00 kg नहीं लेंगे, बिकॉज ही सेज मोर देन 5 kg, 5 kg से ज्यादा वाले लेंगे, इक्वल वाले लेंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया, 7/11। ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, इतना सा ही हमारा चैप्टर है, तो आई थिंक आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।